लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के कोपरखेरने में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां सैकड़ों नागरिकों ने रक्तदान किया। इस शिविर का आयोजन कोपरखेरने के ब्लॉक उपाध्यक्ष सुनील पारकर और उनकी टीम द्वारा किया गया था। यहाँ नवी मुंबई जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कौशिक, धोंडीराम पाटिल खास तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रांताध्यक्ष नाना पटोले के निर्देश पर कांग्रेस संपूर्ण राज्य में सामाजिक उपक्रम चला रही है, उसे आगे बढ़ाते हुए सुनील पारकर ने जिस तरह रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया है वह लोगों की जान बचाने में उपयोगी होगा। देखिए रिपोर्ट। कोपरखेरने के हनुमान मंदिर प्रांगण में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। नवी मुंबई महानगर पालिका अस्पताल की मदद से प्रभाग 38 में इस शिविर का आयोजन कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष तृप्ति जाधव, उपाध्यक्ष सुनील पारकर और अभिजीत काकड़े की टीम ने किया था। नवी मुंबई कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक और धोंडीराम पाटिल ने यहाँ भेंट दी और रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला बढ़ाया। जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक ने कहा कि ऐसे रक्तदान शिविर कोरोना से पीड़ित और जरूरतमंद लोगों की जान बचाने में मददगार बनेंगे। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। कोरोना के समय पे रक्त की जो साठा है उसकी कमी हुई है, इसको ध्यान में रख के महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष नानाबाबू पटोले इन्होंने प्रत्येक वार्ड वाइज, प्रत्येक जिला वाइज, प्रत्येक ब्लॉक वाइज रक्तदान शिविर आयोजन करने के लिए सूचना दिया है। उसके अनुसार आज ये कैंप लिया है। वार्ड की अध्यक्षा तृप्ति जाधव और हमारे ब्लॉक पदाधिकारी अभिजीत काकड़े, सुनील पारकर इनने मिलके इसके आयोजन किया है। ये कैंप धोंडीराम पाटिल के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में आयोजित किया गया है और ऐसे कैंप आगे पूरे ज़िले में हम लेते रहेंगे। पहले भी हमने कैंप लिया था, काफ़ी कैंप लिए गए, जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हमने कैंप लिया और इस कैंप के अंदर विशेषकर नवी मुंबई महापालिका के पूरा स्टाफ, डॉक्टर, मैडम सबका मैं आभार मानता हूं। वहीं रक्तदान शिविर के आयोजक ब्लॉक उपाध्यक्ष सुनील पारकर और उनके सहयोगियों ने कहा कि आज कोरोना के कारण हॉस्पिटलों में रक्त की कमी है, इसलिए इस रक्तदान के जरिए हमने इस कमी को पूरा करने की कोशिश की है। सामाजिक बांधिलकीची जाण ठेवून कोविड आजारामध्ये रुग्णालयांमध्ये हॉस्पिटलमध्ये रक्ताची कमी असल्यामुळे आम्ही कोपरखेरने तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने वंदे मातरम उत्सवाच्या वतीने, वरदान वरफेल असोसिएशनच्या वतीने आम्ही ह्या रक्तदान शिबिराचं आयोजन करत आहोत आणि असं आम्ही नेहमी करत राहू। कोपरखेरने तालुका काँग्रेस कमिटी व वॉर्ड क्रमांक 38 यांच्या वतीने आम्ही आज रक्तदान शिबिर आयोजित केलं आहे। कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे रक्ताची कमतरता भासत आहे, त्याच्यामुळे लसीकरण घेण्याच्या आधी आम्ही सगळ्यांना आग्रह करत आहात, तुम्ही पण रक्तदान करावे आणि ज्यांना रक्तदानाची गरज आहे त्या गरजूंना आपण रक्त पोचवावे, त्यासाठी आमचे प्रयत्नही आहेत आज आणि यापुढेही चालू राहतील।
आणि अशी आशा करते की तुम्ही सगळ्यांनी सहभागी व्हा व तुमच्या आसपास जिकडेही असे रक्तदानाची कमी असेल तर तुम्हीही असे कार्यक्रम राबवा, शिबिर राबवा आणि रक्तदानाची मदत करा। प्रभाग 38 के स्थानीय नागरिकों ने भी कोपरखैर ने कांग्रेस पदाधिकारियों के सामाजिक कार्यों की सराहना की और रक्तदान शिविर को उपयोगी बताया। या वार्ड क्रमांक 38 मध्ये जय हनुमान मंदिरामध्ये रक्तदान शिबिर आयोजित केला आहे। तरी या वॉर्डातील या कोपरखैरणे विभागातील तमाम नागरिकांना हीच एक विनंती आहे की आपण रक्तदानामध्ये सहभागी व्हायचं आहे। कोविड वॅक्सिन घेतल्यानंतर आपण रक्तदान शिबिर 90 दिवस करू शकत नाही, तर त्याच्यामुळे ज्या कोणी कोविड वॅक्सिन घेतली नसेल त्या सर्व नागरिकांना, त्या सर्व मतदारांना विनंती आहे की आपण या रक्तदान शिबिराचा लाभ घ्यावा, रक्तदान शिबिरामध्ये सहभाग घ्यावा आणि रक्तदान करावं, हीच माझी विनंती आहे सर्वांना। आज या ठिकाणी काँग्रेस कमिटी कोपरखैरणेच्या वतीने जे रक्तदान करण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे, सर्वप्रथम मी त्यांना धन्यवाद व्यक्त करतो। रक्तदान हे सर्वश्रेष्ठ दान आहे। आपलं सायन्स कितीही पुढे गेलं, सर्व गोष्टी करता आल्या, पण रक्त बनवण्याचं टेक्निक आज मला वाटतं सायन्सने डेव्हलप नाही केलं। म्हणजे रक्त हे शरीरामध्येच बनतं आणि म्हणून जेव्हा जेव्हा रक्ताची आवश्यकता असते, कुठे अपघात होतात, तेव्हा आपल्याला कळतं की रक्त जेव्हा लागतं त्याचं महत्त्व किती असतं। एखाद्या पेशंटला जर रक्त नाही मिळालं वेळेवरती आणि त्याचा जीव गेला तर किती मोठी हानी होऊ शकते। त्यामुळं काँग्रेस कमिटीच्या वतीने हा जो रक्तदानाचा कार्यक्रम केला आहे, एखाद्याला जीवदान देणं, एखाद्याला रक्तदान करून जर जीवदान मिळत असेल तर त्याच्या एवढं मोठं पुण्याचं काम होऊ शकत नाही असं या ठिकाणी मला वाटतं। सुनीलदादा ह्या कोविडच्या कार्यकाळामध्ये खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने समाज उपयोगाचे कामं करतायत आणि असंच सर्व कामं करत राहावं, त्यांना माझ्या मनापासून शुभेच्छा। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।